वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोनल और सोनल दीपक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम संडे को गए थे अपने फ्रेंड के घर पे। मतलब फ्रेंड नहीं, हमारे फैमिली मेंबर जैसे ही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और वो दोनों कॉलेज से ही साथ है, तो सब कुछ साथ में रहना खाना सब इनका सब चलते रहता है। और वो लोग दोनों भी आते हैं, हमारे कोई भी फैमिली फंक्शन हो तो सबसे पहले वो लोग ही आते हैं, तो मुझे स्पेशली उनके साथ बहुत मजा आता है। मतलब बहुत क्या, बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। मतलब पूरे टाइम अगर मैं जितने टाइम उनके साथ रहती हूँ ना, सिर्फ हंसती रहती हूँ। वो दोनों एक दूसरे को टीज करते रहते हैं और हमें बहुत मजा आता है, बहुत मजा। मतलब कभी बहुत सारे क्लिप तो मेरे डिलीट हो चुके हैं, मैंने बहुत सारे क्लिप बनाते लेकिन डिलीट हो गए, लेकिन मैं कभी स्पेशली अगर उनके घर गई, वीडियो बनाई ना, तो मैं दिखाऊंगी कि कैसे कैसे वो लोग बात करते हैं, तो बहुत मजा आता है। अगर आप रोते रहो ना तो एकदम से आप हंसने लगोगे उन लोग के साथ, तो हमें बहुत मजा आता है। और उनके साथ प्लानिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि चलो यहाँ घूमने चलते हैं, यहाँ चलते हैं, बस सिर्फ एक बार बोल दो कि हाँ चलो घूमने चलना है, बस रेडी। और रात के 12 बजे भी बोल दो तो वो आ जाएंगे। वो इतने अच्छे, मतलब इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। सो वहाँ पे हम लोग मस्ती किए और अच्छा टाइम बीता, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं। और सबसे मेन रीज़न तो ये था कि वो इतना टेस्टी एक मैगी बनाए थे, जो कि बहुत अच्छा लगा था, और बहुत टाइम के बाद मैंने खाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सो वो रेसिपी इतना अच्छा से बना रहे थे ना कि मैंने सोचा कि मैं सूट करती हूँ। और लिटरली वो इतना प्यार से ऐसे, मैं कुछ भी बोल रही कि आप ऐसे करो ऐसे करो, तो हाँ वो वैसे ही कर रहे थे। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। तो हमने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया, बहुत सारे क्लिप तो डिलीट हो गए, हमने तो मैं बहुत कुछ था, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, लेकिन जितना भी था मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि इसमें रेसिपी है तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छी भी लगेगी, आपके लिए यूजफुल भी होगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन बटन है तो उसे ऑल करना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको आए। सो फ्रेंड, चलते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ है और आपको सच में बहुत मजा आएगा। 2 hours later सो यहाँ पे हम सब बैठ के चाय पी रहे हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हो हम तीनों ही हैं केवल, और इनकी अब बीच बीच में टॉम एंड जेरी वाला चल ही रहा है मस्त, एकदम से अच्छा लग रहा है। ये लोग एकदम से क्या कहते हैं उसको, बच्चे, दोनों बच्चे जैसा ही करते हैं। सो अभी ऑनियन, टमाटर और मिर्ची, इन तीन चीज़ों को उन्होंने डालकर अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। और ये देख सकते हो आप, थोड़ा सा गल चुका है टमाटर भी, अच्छे से गल चुका है, और प्याज भी। तो अब इसमें वो अंडा फोड़ के डाल रहे हैं, एक एक करके इसमें सारे अंडे को ऐसे ही फोड़ कर डालेंगे। और बहुत सारे अंडे इन्होंने लेके आए थे, और मैगी के हिसाब से अगर आपको ज़्यादा मैगी है, मतलब इन्होंने 10 पैकेट बनाया था, वो छोटे वाले जो पैकेट आते हैं ना, तो वो उससे 10 पैकेट थे। तो ऐसे करके सारे अंडे को ऐसे ही फोड़ फोड़ के वो डाल दे रहे हैं, और 10 अंडे थे। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रहे हो तो आप अंडे भी उसी हिसाब से डालो, बस कुछ नहीं करना है, वही प्याज को फ्राई करना है और उसमें टमाटर डालना है। अगर आपके पास मटर है तो मटर डाल दो, और अभी मटर का तो सीज़न है ही, ठंडा ठंडा मौसम है और मटर का सीज़न है, तो आप मटर डालो तो टेस्ट उसमें बढ़ जाता है। और मिर्ची, बस इन चीज़ों तो बस इतनी सी चीज़ों को डाल दो, और फिर उसके बाद लास्ट में आप मैगी मसाला ऐड कर दीजिए, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। सो एक एक करके हमारा अंडा भी फूटते जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए इतनी चीज़ों में कितना टेस्टी बन जाता है ना, इतना टेस्टी बना था ना, वाओ क्या, मतलब जो उन्होंने बनाया ना। और अभी आप देख सकते हो, ऐसे देख के आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये अंडा अभी जस्ट उन्होंने फोड़ के डाला तो देख के अच्छा, बट ये जैसे जैसे फ्राई होते जाएगा ना, तो अंडा फिर वो जैसा भुर्जी हो जाता है ना, वैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप मैगी डाल दो, तो अभी थोड़ी देर बाद डालेंगे। और बीच बीच में हमारी बातें चल रही हैं, इधर उधर की बातें, कि कहीं घूमने जाने का प्लान है, या फिर कुछ ऐसे ऐसे हल्का फुल्का बातें हमारी चल रही हैं। उनका, इन दोनों का तो हंसी मजाक चल ही रहा है, मतलब एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं एक दूसरे का टांग खींचे जा रहे हैं, ये कर रहा वो कर रहा, और हम दोनों बीच में ऐसे मज़े ले रहे हैं।
सो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा टाइम लग रहा था ये मुझे बहुत, मतलब इस तरीके से ऐसे बैठना, बातें करना और फिर कुछ बनाना खाना, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और आप देख भी सकते हो साथ में, साथ में हम लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं और मज़ा आ रहा था। और ये अभी आप देख सकते हो, ये अंडा अभी तक अच्छे से घुला नहीं है, मतलब इसको और अभी तक चलाना है। और अब देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है और ये ऐसे ही दाने दाने जैसा एकदम हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें, आप ये अलग से बॉयल करके डालोगे मैगी ना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसमें आप बॉयल करके डायरेक्ट आप मैगी डाल के पानी डालोगे ना, तो वो नहीं है, वो पानी पानी जैसा लगेगा। इसलिए आप उसको अलग से मैगी को बॉयल करके डालो, तो उसका टेस्ट अच्छा होगा। और पीछे बच्चे इतना शोर कर रहे थे कि हमारी नेचुरल वॉइस नहीं आ रही थी, इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ। और ये देखिए, अभी थोड़ी देर में हम मैगी मसाला डालेंगे और हमारी टेस्टी टेस्टी मैगी बन के रेडी हो जाएगी। फ्रेंड, इसमें हम मैगी मसाला डाल देंगे और इसमें हम बॉयल वाटर ही डालेंगे ताकि वो अच्छा से मैगी बने। अगर आप ठंडा डालोगे ना, तो वो चिपचिपा सा हो जाएगा, इसलिए मैंने बॉयल वाटर ही डाला। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ और इस तरह से हमारा मैगी बन, आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में कि इसका कलर कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, हमारी मैगी बनके रेडी हो चुकी है, ये देखिए। और सब बनते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ गई कि चलो बन तो गई, कब से हम दोनों वेट कर रहे थे कि अब बनेगी, और ये दोनों का मस्ती चालू ही था। सो यहाँ पे ये सर्व कर रहे हैं हम सबकी प्लेट में, फिर हम बैठ कर खाएंगे मजे से। बहुत अच्छा बना था और कलर देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा, मतलब देख के ही अच्छा लग रहा। तो एकदम ना ज़्यादा पतली और ना गाढ़ी, और ये देखिए इनका स्माइली सा फेस।